ओरियो को दूसरे ओरियो से डरा रहा है। तो हम आ गए सौरभ की साइट पे आ चुके हैं। अभी हम बस ये आंटी अंकल सब डिस्कशन वगैरह चल रहा था यहाँ पे। और मेरे जो होते ना भाई, इतने डर लगता है मुझे, कभी भी मूड खराब हो सकता है इनका। देखो दोस्तों, ये ले लिए एक, मैंने ये पसंद कर लिए। गुड मॉर्निंग। सो आई कैन नॉट से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन हल्द्वानी, बिकॉज हल्का हल्का सा कोहरा और धुआं और मिट्टी और पता नहीं क्या क्या है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हम लोग रेडी हो गए, बढ़िया एकदम फिट हो गए। अब हम जा रहे हैं सौरभ के यहाँ, वहाँ पे भी साइड पे बहुत सारा काम होना है। कल हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे अंकल से, तो उन्हीं के ऊपर अभी आज कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कशन होना है, नेगोशिएशन होने हैं, जो काम वो करेगा, क्या काम करेगा, कितने में करेगा, है ना, वो सब चीज़ें। हाँ जी, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो डालने के बाद आप मुझसे सवाल पूछोगे। देखो, जब सौरभ ने वीडियो डाला था ना कि घर का काम शुरू हो गया, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि भैया घर का काम शुरू हो गया तो आप तो दिख नहीं रहे हो, तो आप नहीं बना रहे हो, क्या हो रहा है। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी कोई घर बनता है ना, तो उसमें दो तरह की टीम्स काम करती है। एक होते हैं आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। हमारा काम क्या होता है, एज एन आर्किटेक्ट हम उस बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, प्लस जब उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे सुपरवाइज करते हैं कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। प्लस मेरी भी बहुत बड़ी टीम है ना। तो जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू करा, जो कि ठेकेदार है वहाँ, ठीक है, और हमने सुपरवाइज करा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए मेरा साइट पे प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं होता है ना। अब जब मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं सौरभ के यहाँ जा रहा हूँ सब कुछ चेक करने के लिए, पर्सनली देखने के लिए, और प्लस कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए, ठीक है। ओके, चलो वीडियो देखते हैं। आगे पहुँच गए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था, तो मैं जो भी कपड़े लेके आया हूँ ना, बहुत काफ़ी वार्म है, तो मेरे को फिर यही कपड़े पहनने पड़ गए आज भी, क्योंकि उनमें तो भाई पसीना पसीना हो जा रहा है। पहाड़ों में तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत ठंड बची है, यहाँ तो भाई बिल्कुल गर्मी टाइप का सीन हो गया एकदम। ये आ गई हमारी साइट। तो अभी हम क्या करने वाले, मैं आपको बताता हूँ। ये सारे ना कॉलम के फाउंडेशन के गड्ढे हैं, इनमें से ना कॉलम खड़े होंगे। अब कॉलम जो खड़ा होगा ना, वो इस गड्ढे में कहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि हाथ से काम हो रहे हैं, लेबर काम कर रहा है, मशीन तो कर नहीं रही। तो कई बार क्या होता है कि गड्ढे ना हल्के हल्के से कॉलम हिल जाते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपके भी घर बने होंगे, तो आपके घर अगर आपने बिना किसी इंजीनियर के, आर्किटेक्ट के बनाया होगा, तो आपके यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ड्राइंग के हिसाब से सारे कॉलम्स को चेक करने वाले हैं, बढ़िया से चेक करेंगे और कॉलम को प्रिसाइसली मार्क कर देंगे, ताकि जब कॉलम खड़े हों तो वो स्ट्रेट लाइन में हों और हमारी ड्राइंग के हिसाब से हिले ना। एक बार ऐसा होता है कि हमने जैसे रूम बना लिया, मान लो 12x12 का, 12 feet by 12 feet का, कॉलम खड़े होने का बन ही नहीं रहा है वो उतने का, पता लगा एक साइड तो 11 हो गई, एक साइड 12.5 हो गई, इस तरह की दिक्कतें आती। तो वो सब चीज़ें चेक करेंगे अभी हम, और कॉलम फाइनल मार्क करेंगे, और फिर ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, तो इनसे फिर हम आराम से फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। तो हम सारी देखो ड्राइंग्स लाएँ, ऐसी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, तो इनके हिसाब से पूरी मार्किंग होगी। बहुत बड़ी साइट है भाई, इतना फाड़ घर बन रहा है ना सौरभ का, कोशिश करेंगे साल भर में से पूरा कंप्लीट कर दें, मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा मेरे को तो अच्छा मानते हैं। वो मेरे जो होते ना भाई, इनसे डर लगता है मुझे, कभी भी मूड खराब हो सकता है इनका, कभी भी कच्चे करके पकड़ देंगे। तो अभी तो सूंघ रहा है, इसको खुशबू आती है ना मेरे से, बहुत सारी खुशबू आती है, खुशबू। बढ़िया नाश्ता वास्ता भी कर लिया हम लोगों ने, अब हम जा रहे हैं अपनी मीटिंग्स करने। एक दो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए क्लाइंट से मिलना है हमने, तो वो सब काम करना है। और तब तक फिर क्या ना, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, तो उनके साथ फिर अंकल वगैरह हम सब ने बैठ के ना ठीक से डिसाइड करनी है कौन सा मटेरियल लगना है, इस तरह की चीज़ें ना, कब काम होना है, टाइम का शेड्यूल क्या रहेगा, ड्राइंग्स वगैरह थोड़ी समझाऊंगा उन्हें मैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें कर देंगे। और फिर आज घर वापस जाने का प्लान था, पर अब आज हो नहीं पाएगा, तो कल ही जाऊँगा अब घर तो वापस। आज फिर देखते हैं यहाँ पर बाकी क्या क्या काम हो सकते हैं, वो सारे निपटा लूँगा। हाँ जी, तो हम आ गए हैं पॉट्स एंड स्टोन्स, और हमारी जो मीटिंग है ना यहीं पे ही है, तो हमारे जो क्लाइंट है अभी यहीं पे आ रहे हैं, बस अंदर जाते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना दोस्तों, कोई भी चीज़ मैं ऑर्डर करूँगा, कॉफ़ी मैंने छोड़ दी है, चाय मैंने छोड़ दी है पीनी, ठीक है, मीठा मैंने छोड़ दिया, मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था ना। अब इसमें खाऊँ क्या मैं, मतलब पीऊँ क्या, खा के तो मैं सौरभ के यहाँ नाश्ता करके आ गया था। अभी देखता हूँ कि कुछ पीने के लिए कुछ हो सकता है कि जो आर्टिफिशियली स्वीटेंड ना हो, मतलब एटलीस्ट चीनी ना डली हो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं। यार हमारी एक मीटिंग तो हो गई, अब हमारी अगली मीटिंग में ना टाइम है। मेरी जिस क्लाइंट से मीटिंग है ना, वो क्लाइंट ना डीले कर रहे हैं, उनको कहीं फंसे हुए हैं काम में। अब मैं इतना बेला घूम रहा हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। मैं अपने लिए कुछ कपड़े देखने आ गया हूँ, अब रेड टेप में कुछ स्वेटशर्ट वगैरह देख लेते हैं, बेला आदमी क्या करेगा, शॉपिंग।
रेड टेप का सीन क्या है ना, यहाँ पे साल भर सेल लगती है भाई, तगड़ी मतलब तगड़ी सेल। तो मैंने एक हुडी ये देखी है, एक और देखी है, दो हुडी ले लेते हैं फटाफट से। सेम कपड़े पहन रखे हैं यार दो दिन से, यहाँ इतनी गर्मी लग रही है, पतली हुडी है ना ये पहन सकते हो। एक्चुअली थोड़े से वार्म कपड़े ला गया तो अब यहाँ पे पहन नहीं पा रहा हूँ मैं, इसलिए खरीद ले रहा हूँ। और एक काम आएंगे पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ में गर्मियों में भी सुबह सुबह पहन सकते हो हुडी ना, वॉक करते हुए जा सकते हो हुडी पहन के, तो सही है, ले लेता हूँ, दो ले लेता हूँ। देखो दोस्तों ये ले लिए एक मैंने, ये पसंद कर लिए दोस्तों, देखो एक ये भी पसंद कर लिया मैंने। लाइट कलर सही लग रहे हैं मुझे पहली बार लाइफ में। देखो क्लाइंट का भी कॉल आ गया, फटाफट अब चलो कपड़े वपड़े ले लिए, अब चलते हैं। तो मैं अभी फ्रेम्स काट आया हूँ, जहाँ से मैंने पहले चश्मे लिया था ना, भैया मिल गए मेरे को दोबारा से, तो भैया ने मुझे रिकमेंड किया सनग्लासेस, तो अभी मैं बस पहन के देख रहा हूँ कैसे लग रहे हैं, फिर ये भी ले लूँगे। देखो दोस्तों ठीक लग रहा है मेरे को, तो अच्छा लग रहा है, भैया ने रिकमेंड किया। मतलब भैया यार वैसे एक बात है, यहाँ पर कलेक्शन बहुत एक नंबर भाई, हल्द्वानी में है फ्रेम्स काट, आप नॉन स्पॉन्सर्ड है, आप आके देखना जेन्युइन, आपको मतलब जेन्युइन नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्राइस पॉइंट पे मतलब लेंस काट थोड़ा है फेमस, बट यहाँ पे आपको कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। हम पहुँच गए हल्द्वानी में अपनी फेवरेट नर्सरी, आपने मेरे वीडियो में पहले भी देखा होगा कई बार। यहाँ से यार मेरे को ना एक ऑफिस के लिए चाहिए पौधा, बोगनवेलिया का, एक पौधा मर गया ना हमारा, तो वो धरी ना बहुत सैड था, तो मैंने कहा एक पौधा ले जाता हूँ उसके लिए खुश हो जाएगा। सो हम ना ये ले रहे हैं बोगनवेलिया का, एक टाइप है ये भी, देखो दोस्तों वो हमने पसंद करा, एक बोगनवेलिया, दो इन्होंने बना रखे हैं कलम से, सो ये बेसिकली बॉन्साई नहीं है, बट इन्होंने सीधे ना उसकी टहनी काट के लगा दी, तो उसके थ्रू फिर ये स्प्राउटिंग वगैरह जो भी कहते हैं वो हो गई है इसमें भी। और ये वाला ना बड़ा तगड़ा लग रहा है, इसमें क्या है, इसमें ना सिर्फ फूल ही फूल दिख रहे हैं और पत्ते ही नहीं है, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो इन दोनों में मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं कौन सा लेके जाऊँ, ये थोड़ा बड़ा है गाड़ी के लिए, तो वही मेरे ख्याल से सही रहेगा। अमित को ना ये वाले भी बहुत पसंद आ रहे हैं, आज पहली बार इसने कुछ बोला है, तो हम ऑफिस के लिए ले लेते हैं। ये इंडोर है, मेरी टेबल पे अच्छा लगेगा, देखते हैं इसमें कितनी मस्त मस्त चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे ना भाई बहुत ही चीज़ें खरीदने का मन कर जाता है यहाँ के, तो चलो ये भी ले लिया हमने, ये वाला पौधा भी ले लिया। अब हमें छिपकली वाली बेल लेनी है अपनी साइटों के लिए, तो वो भी ले लेते हैं। हमने अपना सामान जो है आगे रख दिया सीट पर, क्योंकि हम और दो अकेले जन हैं ना, कल जब जाएंगे घर, और उस पौधों को इसमें फिट करके डिक्की पैक कर देंगे, फिर डिक्की को छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी हम। भैया टैनी ना टूटे, वैसे देखना थोड़ा टफ है मामला। पौधों से तो तुम्हारे भाई को ना बहुत प्यार है भाई। फटाफट मैं जा रहा हूँ क्लाइंट के पास, क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है, फटाफट जाके मीटिंग वीटिंग कर लेते हैं और फिर फ्री हो गए ना, फिर उसके बाद हमें सौरभ के यहाँ जाना है। हम आ गए सौरभ की साइट पर आ चुके हैं, अभी हम बस ये आंटी अंकल सब डिस्कशन वगैरह चल रहा था यहाँ पे, और ये ठेकेदार साहब भी आ गए, और अभी बस काम हम सब चेक कर चुके हैं, अब सौरभ के घर जा रहे हैं हम, और वहाँ जाके फिर वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कशन वगैरह हो जाएगा, ठेकेदार साहब का जो जो काम होना है ना। सुना ली ना, खाली बदनाम है बेचारा, नहीं पढ़ाई करता, क्या बना रहा तू? ये पढ़ाई वाला नहीं है, क्या है पूरा काला है। दोनों को मिक्स कर देंगे हम, दूसरे खुरापाती है ना ये, रख नीचे रख दे, खेलेगा देखना। ओरियो को कंपटीशन तो नहीं लग रहा कहीं, हाँ जी। तो हमारा काम सारा आज का निपट चुका है, अब हम जा रहे हैं बॉबी भैया के फार्म हाउस, सौरभ वगैरह सब वहीं पे ही हैं, चिल कर रहे हैं, तो अपन लोग भी जाएंगे वहां पे आराम से रिलैक्स करेंगे, वहीं पे चिल करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है। सो हम अभी आए हैं बॉबी दा के, आए हैं बॉबी दा के फार्म हाउस में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना खूब सारा, तो अभी सब ऐसे उथल पुथल हो रहा है, मेंटेनेंस चल रही है, मेंटेनेंस। तो बहुत बड़ा एरिया है ये, मैं पहली बार आया हूँ, मैंने सौरभ के वीडियो में ही देखा था, वो आपको दिख नहीं रही होगी वैसे तो, ये है कैरावैन खड़ी है यहाँ पे, ये बतखों की आवाज़ आ रही है, अच्छा ये रही बतख। सो दोस्तों फाइनली हम बॉबी भैया के फार्म हाउस से भी आ गए, और अभी हमने अपने डिनर वगैरह पैक कराया, अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, रूम पे जाके मेरे को थोड़ा ऑफिस का काम करना है और इस वीडियो को एडिट करना है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत दिल से आपके लिए शुक्रिया, और आई नो मतलब मैं बहुत अजीब सा ही लग रहा हूँ, गंजा भी और अजीब सा ही हो रहा है, बट उसके बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू अगेन,
एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, 1 लाख हमारे होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंड अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।